यार देखो ओ भाई देखो, ये देखो भाई इसने पूरा पूरा पेट्रोल यहाँ बिगाड़ दिया वॉशिंग के लिए। आज मुझे बहुत जल्दी गुदगुदी होती है, जल्दी गुदगुदी होती है। चले इतनी डीप क्लीन करवाई ना तो सारी गाड़ी गीली हो रही है, तो गद्दी तक गीली हो रही है यार। देखो यानी कि डीप क्लीन एक आध बार तो करवा लेनी चाहिए आपको। बुराई हाल कर रही है, कौन सी गाड़ी है, किसकी है? गुड मॉर्निंग। और आज का सीन बता दूं क्या होने वाला है। आज एक तो हम डलवाएंगे भाई अपाची के अंदर पेट्रोल, और कार का भी पेट्रोल जो है पूरी तरीके से खाली हो गया, टंकी खाली है, इसका भी पेट्रोल डलवाएंगे। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको डीप क्लीन करवा दूं यार, बहुत ज्यादा जो है गाड़ी गंदी हो रही है। आज जब मैं धोवा के लेके आया था ना पीछे, बहुत ज्यादा गंदी धोई मैं, तो मैं बात करके आया अभी डीप क्लीन के लिए। ठीक है, हो जाएगी 700-800 रुपए खर्चा बता रहे हैं, लेकिन क्लीनिंग ऐसी कर देंगे बड़ी। अभी देखो गाड़ी में ना हर जगह डस्ट ही डस्ट दिख रही है, तो गाड़ी में बैठने का मजा भी नहीं आ रहा और चलाने का मन भी नहीं कर रहा। तो इसलिए सोच रहा हूँ गाड़ी को ना पूरे डीप क्लीन करवा दूं, पूरे पूरे गद्दी वगैरह निकाल के अच्छे से वो साफ कर देंगे, इसके बाद में फिर मैं गाड़ी को जहां मर्जी लेके जाऊंगा। लेके चल लो सीधा सेंटर पे और इसको करवाते हैं भाई यार, क्योंकि आज मैंने ना यही सोच रखा इसके लिए टाइम निकाला कि पहले गाड़ी को धुलवाएंगे, डीप क्लीन कराएंगे, फिर इसमें पेट्रोल डलाएंगे। छोटे वाले भाई को इसलिए लेके जा रहा हूँ कि वो मुझको वापसी लिया है, क्योंकि गाड़ी मुझे छोड़ के आनी पड़ेगी और गाड़ी पूरे 4 घंटे के लिए बोल रहे हैं वो, जिनको मैं दे रहा हूँ ना, तो वो भैया बोले थे कि 4 घंटे के लिए आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो है गाड़ी क्लीन होके मिलेगी। तो गाइस ये अपना सर्विस स्टेशन है, क्या वाला मैं गाड़ी यहीं छोड़ के चला जाऊंगा भैया के पास। मैं रुक तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे काम भी है काफी सारे, तो यहाँ छोड़ के सीधा निकल लेंगे। चाबी वगैरह जो मैं भैया को अगर पकड़ा देता हूँ जाके। यार यहाँ पे आए भैया के पास ना अच्छी खासी गाड़ियाँ वगैरह आती रहती है, क्योंकि यार ये हमारे आस पास के एरिया में पड़ते हैं और सबसे अच्छी बात है काफी अच्छे होते हैं। तो भैया कितना टाइम लग जाएगा? 3-3.5 घंटे लगने वाले हैं, तो मैं चाबी भैया को दे देता हूँ। मैं भैया को नंबर दे देता हूँ, भैया मुझे कॉल कर लेंगे, क्योंकि होने के बाद तो आऊँगा। भैया डीप क्लीन कर देना एकदम बढ़िया से, है ना? 700 रुपये लग रहे ना भैया, ये चीज़ है 700 रुपये में डीप क्लीन करके दे रहे हैं। क्लीनिंग दिखाऊंगा भैया की कैसी होती है। भैया को नंबर दे दिया है, चलते हैं अब अपाची लेके जाते हैं, उसमें पेट्रोल पहले भरवा के ले आओ, क्योंकि यार पेट्रोल जो है उसके अंदर बिल्कुल खाली है। जो यूपी में चल रहा है ना तेल, वो चल रहा है अपना 95, लेकिन अंदर 200 है, देखते हैं कितने रुपये का तेल इसमें आता है। दो दिखा रहा ना, चलते समय करा भाई एक दिखा, चल समय एक हो जाएगा, चलो स्टार्ट करते एक हो जाएगा। अभी दो दिखा रहा, देखते हैं फिर भी कितने का आता है। टी शर्ट के अंदर ना ये सारा का सारा छूट गया, मैंने इसको उधेड़ दिया, घर जाके इसको पूरा का पूरा अच्छे से उधेड़ दूंगा। चलो अब टंकी फुल करवा देते भाई, पेट्रोल आ रहा है, टंकी फुल देखता है। अरे ठाके यार देखो, ओ भाई ये देखो भाई इसने पूरा पेट्रोल यहाँ बिगाड़ दिया, पेट्रोल बिगाड़ दिया, तुमने आधे लीटर तेल गिर दिया पता तेरे को। 1140 रुपए का तेल आया, ठीक है ना। अभी सीन को मैंने भैया को कर दिया, भैया कह रहे क्या कर रहे हैं, मैंने कि मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो इसने ना पूरा का पूरा आधा लीटर तेल फैला दिया यार। आसान कर दिया पता तेरा, कितने का? आधा लीटर तेल गिरा है, 100% आधा लीटर तेल गिरा, इन्हें यूं निकाला और यूं कर दिया, इससे नोजल ही नहीं सबली भाई। ओके ना भैया, टंकी अपनी फुल हो गई, मैंने मुझे दिखा दिया हरी झंडी, ठीक है भैया ओके चलते हैं। छोटी पड़ गई, शटर इससे बंद नहीं हो रहा, कह रहा घुमा के करूंगा, कर जल्दी ए, अरे उछल के कर दे करना, ए लंबा हो जा थोड़ा, ठीक है ना। पैंट देखो इसकी काम अंदरी है, ये देखो अब पैंट ऊपर ही बांध ले कर पाया। मैं आके यार सबसे पहले ब्रश कर लूं, जाकेट पानी को मुझे लगी ठंड, अब सीधा ब्रश करके नहाऊंगा। नहाने जा रहा था तो सोचा यार नखून काट लूं, ये नखून जो है मेरे बहुत बड़े हो गए, तो यार आज नखून काट ही लूं पाएंगे। देखो भाई बहुत बड़े बड़े नखून हो रहे थे मेरे, क्या बन गया? आलू रोटी, आलू ये आज उबले हुए आलू, आलू टमाटर हरा धनिया डाला हुआ। कैसी लगी सब्जी मम्मी? मस्त। मम्मी अपनी बहू की तारीफ भी करती रहती है, कभी ये नहीं कहती कि बहू ने खाना गलत बनाया। पूछ रहे थे कि गाड़ी कहाँ पे थी, तो गाड़ी दी है फाटक पे, नहीं स्टेशन पे, तो उसको देखा डीप क्लीन यानी कि बढ़िया थी, साफ कर देगा तुम चमचमाती हुई हो गया। तुम कैसे हंस रही हो? मैं देख के ये कपड़े देख के हंस रही हो? देख गई बना लिया, फाइनली खाना खाऊंगा, और भूख लग रही है बहुत तेज, 1 से 1.5 बजने वाला है, खाना अभी तक खाया नहीं, रेडी वेडी होके सीधा खाना खाते हैं अभी, खाना देना। हाँ भाई क्या कर रहा है? GTA 5 मैं भी खेलूंगा। तो देखो यार GTA 5 यहाँ क्या चला रखा है, यहाँ फ्री फायर वहाँ GTA 5 दोनों खेल रहा है। अरे ये अंधेरे में क्या चल रहा है, तो उजाला भी कर ले। अच्छा रात में वहाँ घूम रहा है चोरी करके, ये समझ लो भाई, ये देखो लोंडा GTA 5 खेलता कैसा, कार चलाने का स्किल जो है ना इसका वो अलग है। कहाँ सीखी तूने GTA 5? है टेक्नो गेमर की वीडियो देखते रहा था लड़के, नया प्लेयर बैठ गया भाई GTA 5 खेल, कैसा लग रहा है खेल के? बहुत मस्त लग रहा है, तो वो कुछ चलाएगा भी कुछ बोल तो रही है इंग्लिश में,
तू कहाँ ये खेतों में कहा गाड़ी अरे खेतों में घुस रहा है यार। लो देखो भैया खेतों में घुस गया यार। ये कह रहा है कब होगा जब घर जाएंगे सोएंगे जब होगा। फ्री फायर कैसे खेलता दिखाइयो इसके देखना। फ्री फायर तगड़ा वाला प्लो प्लेयर है प्रो प्लेयर है प्रो। जाना ये तो बताओ। अबे ये लाइन फॉलो करनी वाली ये वाली बैक जा बैक जा बैक। ये लाइन तो बढ़ रही है बैक जा। इधर को जाएगा वापसी तो कम होगी। मार भी तो किसी को मारेगा। चल मार 5 रुपए वाली चॉकलेट खिलाऊंगा खाएगा चॉकलेट। एक बार में जीत गया तो अच्छी भी चॉकलेट मारा। कौन सी चॉकलेट लगा भाई? मेरे को डेरी मिल्क। डेरी मिल्क 5 रुपए की आती है। हटा 5 रुपए दो इसे 5 रुपए दिलवा खाएगा। एप्टा मारूंगा खींच के। इसको देनी पड़ेगी चॉकलेट भाई। अब बेटी इसको चैलेंज करा था एक किल करने का। एक किल का इसने चैलेंज करा इसको चॉकलेट दी जाएगी 5 रुपए वाली। मेरे पर्स में 5 रुपए होंगे मिल गए कंजूस भैया। तो ये भाई इसने करा चैलेंज इस लड़के को मिल ले 5 रुपए। मेरे को भी खिलाएगा मेरे को खिलाएगा। ले 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 चल पकड़ के दिखा 2 रुपए और दूंगा एक्स्ट्रा। ले 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 लो पकड़ लिए। बोतल सीधी कर बोतल गिर दी यार। चल भाई चल लेके जा मैं भी खाऊंगा। ले 2 रुपए और ले तूने पकड़ लिए ना 2 रुपए। ले 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 मुन्ना ले जा 2 रुपए भी ले जा। भी जा रहा है और ये कह रहा है भैया मुझे डर लग रहा है इस वाली बाइक पे हम 3 जाएंगे मेरे बैठने की जगह हो जाएगी। वहां से किसमें आएंगे? कार में आएगा अट्टे लड़का कार में आएगा। सर्विसिंग में डालिए क्या? हां सर्विस धुलवाने के लिए चमक गई एकदम। वॉशिंग के लिए किसके लिए डालिए? वॉशिंग के लिए। अट्टे मत करो यार मुझे जल्दी गुदगुदी होती है। जल्दी गुदगुदी होती है। चले पहले हम देंगे इसकी बाइक ठीक होने के लिए। क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर? धुएं दे रही है और आगे थोड़ा पंचर नहीं है हवा का। मैं पंचर ब्रैट हवा कम है ना फट बोलती रहा। देखा एक फट बोलती ना क्या बोलती फट बोलती कैसे बोलती फट फट। गए गाड़ी उधर खड़ी है देख क्या हूँ पूरी हो गई कंप्लीट नहीं हुई मुझे लग रहा है क्लीन कर दी अभी नहीं हुई। कितना टाइम लगेगा अभी भाई उस गाड़ी को कर लो फिर इसको अरे भैया थोड़ा जल्दी लग रहा पॉलिश लग बाकी हो गई खुली है लॉक खुला है लॉक खुला हुआ है अभी तो पानी पानी हो रहा है अंदर देख लेते कैसी भी है ना क्लीन करिए अंदर से बाहर से ये यानी कि चमक रही है। ओ भाई साहब पानी डीप क्लीन करवाई ना तो सारी गाड़ी गीली हो रही है तो गद्दी तक गीली हो रही है यार। देखो यानी कि डीप क्लीन एक आध बार तो करवा लेनी चाहिए आपको। क्या बता रहा भाई कनेक्टर है क्या हो गया ये किसी को काम बता रहा है। विराट सर क्या हुआ गाड़ी तो अभी रेडी नहीं हुई भाई। अब टाइम लग जाएगा बैठ गया गाड़ी में कैसा लगेगा गाड़ी में गाने चलाएंगे है ना है वापसी हम जाएंगे अब शाम को आराम से। हाँ वो गाड़ी साफ कर रहे हैं फिर चलेंगे ठीक है। भाई वाह वीडियो करता क्या मैं अभी देखो तो वीडियो का करूंगा क्या कल आएगी वीडियो। मुझे इंतजार करना पड़ेगा आधे घंटे और क्योंकि भैया उस वाली गाड़ी के बाद ही इसमें लगेंगे और अभी तक तो गाड़ी देखने में अजीब सा लग रहा है। पूरी गाड़ी जो है ना गीली हो गई हालांकि ऐसा लग रहा है खराब हो गई अंदर से। पानी पानी यार अब हाँ ये मुझे लगता है वॉश की वजह से धो ही है ना यार बरसात का पानी चला गया साले। मेंढक टर्टर करेंगे इसके अंदर कैसा होगा स्विमिंग पूल नहा इसके अंदर तैरे हम तैर जाएगा नहीं यार नहीं विराट सर तैर जाएंगे विराट सर तैर जाएंगे हमारे अरे हाँ हाँ बता आप बता गाड़ी के अंदर बताया अपनी गर्लफ्रेंड के रात गाड़ी के अंदर खोलने वाला विराट भाई। तो यार अभी ना भैया उनकी जो गाड़ी है ना उसको साफ कर रहे हैं उसे साफ करने के बाद इसमें लगेंगे लग गए भैया। भैया पानी का भरा हुआ कैसे निकालोगे? अच्छा कपड़े से हाथ की कलाकारी विराट सर का कहना किसकी कलाकारी? हाथ की कलाकारी ये कैमरे की कलाकारी नहीं बोलते कैमरे की कलाकारी जिससे कि गाड़ी को बना देते हैं हाथ की सफाई हाथ की तुम्हें आती आज की सफाई अच्छा नहीं आया ना सबसे सारी गाड़ियों का नाम पूछ लिया हाँ। कौन कौन सी गाड़ी का नाम पूछे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वो वाली और वो वाली वैगनर और किसके और वो वाली कौन सी जा रही है वो वाली वो ऐसी आज यानी कि जब से आया ना जब से सारी गाड़ियों का नाम पूछ रहा है हाँ। अच्छा स्टैंड दिखाओगे चलो दिखाओ भाई ओ ये स्टैंड एकदम मजा आ गया लफड़ा हो गया गाड़ी के अंदर ना मच्छर ही मच्छर आ गए देख सकते हो जरा बैठ के हंस जाएंगे भाई निकल जाएंगे भाई मच्छर ये सारे हाँ भाई अभी निकाल दूंगा भाई अभी उड़ा रहा मच्छर कि मच्छर ना ज्यादा घुस गया गाड़ी के अंदर। विराट सर क्या हो रहा है मच्छर भगा रहे हैं भाई
दूसरे हो गए टीच क्लीन, अभी भी भैया गाड़ी धो रहे हैं। अब भैया कह रहे हैं, मैंने कि भाई मजा आ गया, कह रहे 700 ही दोगे, मैंने कि यार इतनी ले लो अभी फिलहाल के लिए। तो भैया चाबी दे दो, चाबी तो चाबी ले ली। अब फिर चलते हैं भाई पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने के लिए। चाबी ये अखबार लगाया भाई, अखबार भी जुगाड़ पे लगाया है। ओहो मजा आ गया। विराट सर कैसा लग रहा है गाड़ी बैठ के? मस्त। करें स्टार्ट करें? हाँ। तो विराट सर अभी कह रहे हैं कि गिलास को नीचे कर लो, मेरा दम सा घुट रहा है, तो अभी गिलास को नीचे करेंगे गाड़ी। देखो विराट सर कह रहे हैं भैया चाचू मेरी तरफ भी करो, भाई इन्हें ना वीडियो में आने का बहुत ज्यादा शौक है। सही कहा? कैसा लग रहा है गाड़ी बैठ के पहली बार? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, गाड़ी में अच्छी चमकी भी है। हाय हाय, गाने चलाए विराट सर? चलो कौन सा गाना सुनोगे? कोई सा बजा लो। जब गाने चलाएंगे आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। क्या गर्लफ्रेंड का नाम? राधिका। राधिका, तो शादी कब करोगे? जब चाचू की शादी होने के बाद। चाचू की तो अगले महीने शादी है, फिर आपकी कब होगी? चाचू की शादी। चाचू को शादी 22 की फरवरी में शादी है, सब लोग आना। बोल दे सबको, बोल दे सब मेरी शादी में आना, सब मेरी शादी में आना। बुराई हाल कर रही है। कौन सी गाड़ी है, किसकी है? देखो ऐसी गाड़ी होगा ना पुलिस वाले भी अलाउ कर देते हैं, और ये गाड़ी ना भाई बिल्कुल यार खत्म हो चुकी, कंडम हो चुकी और ये गाड़ी चल रही है। चलवाने पेट्रोल भैया फुल कर देना, फोन पे पेटीएम हो जाएगा ना? निकलते हैं घर। भाई पेट्रोल हो चुका है अपना फुल। नहीं कितने रुपए किलो भाई? 2 किलो दे दे, 2 किलो। 45 कितने के? 45 कितने? 5 किलो। 5 किलो 45 रुपए का 5 किलो है। आलू का पप्पा। आलू का पप्पा। विराट सर खा लो, कैसे खाओगे? ऐसे खाओगे तो निकला था और अब घर आया हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 7:45 लग रहा है। कैसी हुई है गरीबी? क्या कहाँ पे? आज नहीं जा रहे हो, लॉकडाउन है ना दिल्ली में। कैसे रिव्यू देगा? दस में से कितना नंबर? 10 में से 12। बाबा 2 नंबर फालतू दे दिए ना। लगा रहा हूँ। कैसी हुई है? खुली है, पूरी खुली पड़ी। कितना नंबर देगा? 10 में से 10 on 10 है। 10 on 10 इसने 10 में से 10, इसने 10 में से 12, तूने 12 का क्या सोच के दे दिया भाई? सोचो गाइस इसको तो पसंद आ गया और छोटे वाले भाई को भी पसंद आ गया, यानी कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है। और आज रात को हम जाने वाले थे कंबल बांटने के लिए, वो नहीं जाएंगे, वो कल जाएंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, और ऐसी वीडियो देखने चैनल बनी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।